ये हैं मुझे बाबा हमारे। अभी हम आ गए हैं टनकपुर में और रास्ते में क्या ही मजे किए भाई। वहाँ से हम निकलेंगे और अगला स्टॉप लेंगे लोहा घाट में। लोहा घाट में भाई बहुत ही बेहतरीन पाला पड़ता है। तो गाइस गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी बंद क्यों हुई थी ये रितेश बताएगा। बताओ बेटा गाड़ी क्यों बंद, ये नहीं बताएगा, तुम बताओ। गाड़ी चाबी की पैडी डाउन थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर चैनल ट्रैवलर मिश्रा। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर से स्टार्ट हो गया है अपना एडवेंचर। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी एकेडमी के बच्चों के साथ उत्तराखंड पिथौरागढ़। काफ़ी जाना माना एरिया है। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हो तो आपको पता होगा पिथौरागढ़ सीरीज़ पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। तो काफ़ी तैयारी हो चुकी है। हम टोटल 8 लड़के यहाँ से जा रहे हैं पिथौरागढ़। वहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है। तो लड़के अपने भर्ती देखेंगे और हम वहाँ पर कैंपिंग और मज़े करेंगे। तो 3 दिन लगातार कैंपिंग करने वाले हैं। काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि कोई तैयारी नहीं है। फिर भी कैंप, स्लीपिंग बैग और जो भी हो सकता था वो सब हम लोगों ने आज अरेंजमेंट किया है और बस निकल रहे हैं। सामान काफ़ी हो गया है। तो 3 दिन लगातार हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं। 1 दिन टनकपुर में और 2 दिन पिथौरागढ़ में। तो देखेंगे सीन बना तो उधर से आगे का भी चलने का सोचेंगे। इधर हमारे रितेश खड़े हैं और आपको एक बार सामान दिखाता हूँ कि 8 लोगों में अभी सिर्फ यहाँ पर 4 लोग हैं और कितना ही सामान हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। तो ये है भाई हमारा सामान कुछ यहाँ पर। ये 4 आदमी लोगों का सामान और हम इस गैस स्टोव का यूज़ करने वाले हैं ड्यूरिंग कैंपिंग। ये देखो एक बहुत फेमस ब्लॉगर बैठा है यहाँ पे, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता है। क्या नाम है? हेलो गाइस बोलो। ये हेलो गाइस बोलो। मैं बोलता नहीं। गाइस कानपुर के लोग ऐसे ही होते हैं, ये बोलते नहीं है। जब बोलने को तो मुंह बंद कर लेते हैं। हो सकता है पुड़िया खाया होगा। ये भाई हमारी गाड़ी आ गई है। इस गाड़ी से हम सफ़र करने वाले हैं। ये नमन बाल कटा के बैठा है जैसे ज्वाइनिंग पे जा रहा है। अंदर अमन और अरमान भी बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये है कि हम गाड़ी में अपना सारा लगेज कैसे डालेंगे। तो ये गाइस अभी हमारा सामान यहाँ पर लगेज इसमें रखा जा रहा है और चावल वावल भी सब लड़कों ने ले लिया है। और ये मोहित दिख रहा है, बोला कि मेरे पास सबसे कम लगेज है और सबसे भारी लगेज इसी का है। पूरा 105 लीटर का ये वाला बैग लेके आया है। तो चलो गाइस चलते हैं नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, बाबा की पहुंच करेगी मौत। और ये गाइस हमारे रामू भाई आ गए हैं। हम लोग जो है खाने पीने का कुछ आइटम भूल गए थे तो छोड़ने भाई। रामू भाई ने हमें भाई ला के दे दिए पराठे जो कि सुशील भाई घर से लाए थे और हम भूल गए थे। तो ज्यादा दूर गाड़ी नहीं आई थी। चलो भाई, चलो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। ड्राइवर नहीं भाई, ये भी हमारा स्टूडेंट है, इसका नाम अमन है और ये हैवी ड्राइवर है। तो गाड़ी यही लेकर चलेगा। हाँ बिल्कुल चलो। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी रुक गई है बिठौली पर और यहाँ पर एक भाई मिल गया, इसकी दुकान से हमने चाय वगैरह। और ये भाई क्या नाम है? विजय। विजय नाम है, तुम्हारा नाम क्या भाई? यार वो डायलॉग बोल के दिखा दियो, बोल लेते। हाँ बोलो यार। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं, पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। ये बात, लखनऊ में ऐसे बहुत सारे खतरनाक लौंडे मिलते रहेंगे और अपना रास्ता ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलो भाई अभी अपना कारवा बढ़ाते आगे की ओर। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी रुक चुकी है सीतापुर में और हमारे जस्ट पीछे है गांधी विद्यालय। तो यहाँ पर रहते हैं मोहित भाई जिनका निवास प्रमाण पत्र यहीं छूट गया था। तो अभी यहाँ से निवास प्रमाण पत्र उठाएंगे और फिर आगे की ओर अपनी गाड़ी बढ़ाएंगे। और ये है बॉस हमारी गाड़ी। और पीछे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, मतलब क्या बताएं, 2-3 किलोमीटर का जाम। लेकिन अमन हमारे हैवी ड्राइवर गाड़ी बहुत तरीके से निकाल के लाए हैं। और ये बटालियन अभी उतर चुकी है तो थोड़ा टहल रही है, हाथ पैर ढीले कर रही है। मज़ा आ रही रितेश? मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही बॉस? लो ये भी भाई ब्लॉगिंग कर रहा है। हाँ भाई देखो अरमान को। तो गाइस चलो सारे लौंडे भी मज़ा कर रहे हैं, मौज मस्ती में ऐसे सफ़र चलता रहेगा। और बस इनकी मार्कशीट, इनका निवास प्रमाण पत्र उठा लें अमन, आगे की ओर अपना कारवा बढ़ा। छोटू कहाँ रुकी गाड़ी? भीकमपुर। तो भैया ये गाड़ी हमारी अभी रुक गई भीकमपुर में। ये नमन है भाई। अरे इधर आओगे? हाँ। लखीमपुर पड़ेगा। लखीमपुर पड़ेगा, अच्छा बहुत अच्छा लड़का है ये, रास्ता बता रहा है हमें। और चलो भैया जब सब उतरे हैं मैदान में तो हम काहे पीछे हटे, हम भी चलते हैं।
ये देखो लड़के आ रहे हैं। हाँ कुछ आराम मिला? कुछ आराम मिला? हाँ भैया बहुत तेज। ये छोटा लड़का है भाई, देखो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए फोन लेके आया है। चलो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं। ट्रैवलर मिश्रा नाम से चैनल है बेटा मेरा, ये है मेरा चैनल। मैं भी मिश्रा हूँ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? अरे यार तुमने तो सोने तो आगा कर दिया। सो गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं टनकपुर में और रास्ते में क्या ही मजे किए भाई। बारात वरात में दबाग एकदम नाचा गया है और मैंने एक लिया था नया ग्रेनारो का माइक जो कि कहीं खो गया है। अब अगर वो इस गाड़ी में गिरा होगा तो बेशक मिल जाएगा। और अभी देखना है कि हमें खाने का क्या जुगाड़ करना, और इधर ही आज कैंपिंग करनी है। घाट बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है और थोड़ी सी गंदगी है यहाँ पर, बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए टोपी लगा ली है मैंने। लखनऊ के मुताबिक तो ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। बाकी अभी देखते हैं कैंप कहाँ पर सेटअप करना और खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था करनी है, ये आगे का प्लान है। सिलेंडर वगैरह हमने अपना निकाल लिया है, सामने ही मंदिर है। माइक की टोपी हो गई यार भयंकर। तो चलो अभी कैंप सेट करते हैं। तो गाइस अभी हमारा कैंप हो गया है सेट और हम इधर बैठ गए हैं खाने के लिए। ये अमन भाई इधर खाना वाना लगा के बैठ गए हैं और पीछे गाड़ी खड़ी है। गाड़ी में चार लोग गाड़ी में सो रहे हैं, बाकी लोग इधर हैं। तो क्या है भाई मेन्यू में? मेन्यू में है पराठे, कचौड़ी, दलिया। मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आएगा ऐसी परिस्थिति में, जो मिल जाए वही सही है। तो टाइम हो रहा है गाइस अभी 11:55 और ये मोहित भाई बैठे हैं हमारे और ये गुप्ता जी जा रहे हैं पानी लेने। तो चलो गाइस खाना वाना खाते हैं और ये दलिया भी बनी बनाई लेके आए हैं, ये कार्यवाही इसके आगे बाद में बढ़ाते हैं। तो गाइस अभी हमने खाना खा लिया है और ये बचा खाना वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम जा रहे हैं गाय माता को खिलाने। यहाँ पे गायों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, काफ़ी गाय हैं यहाँ पे। ले ले आ, 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 आगे रख दो, आगे बढ़ा के, और भी बहुत सारा खाना इन्हें खिला दो। और इसके बाद हम करेंगे गाइस अपना कैंप सेटअप। वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हवा चल रही, सीमेंटेड है तो कैंप हमारा ठीक से प्लेस नहीं हो पा रहा है, तो हम उसे यहाँ पर यहाँ प्लेस करने वाले हैं इस जगह पर। गुड नाइट फ्रेंड्स। कैंप में आ गए हैं और टाइम हो गया है सोने का। चुप है, चोक ले रही है थोड़ी थोड़ी फ्रेंड। तो गाइस अभी टाइम हो गया सोने का। अमन भाई को थोड़ा ज्यादा ठंडी लग रही है क्योंकि कंबल के नाम पे ये कंबल लाए हैं और बोले तो क्या हो रहे रितेश, ये लो चंद्रा रितेश कह रहा, बोले तो ये लोग छुआरा हो रहे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। 11 डिग्री टेम्परेचर है करीब यहाँ पर, तो देखिए कैसे स्ट्रगल करके सोना पड़ रहा है गाइस। तो अभी आपको बोलते हैं गुड नाइट, टाटा टाटा, बाय बाय। आज टनकपुर में शाम बढ़िया बीतेगी आई होप, और कल मिलेंगे सुबह पिथौरागढ़ में। कल मिलेंगे सीधा पिथौरागढ़ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। सीरीज में जुड़ी रहना, सीरीज में जुड़े रहना, छोटी छोटी वीडियो आएंगी लेकिन ज़बरदस्त आएंगी। तो अभी और देखिए क्या कुछ होता है हमारे इस सीरीज में। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में पिथौरागढ़ में। बाय, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। ये हमारी टीम है, टीम बाबा जी की फौज करेगी मौज। ये गया सोयाबीन। क्या गया? बीन। क्या गया? सोयाबीन, सोयाबीन। गाड़ी बंद हो गई। ओ यार मान मैसेज दे रहा भैया, गाड़ी रात में हो गई ठंडी, इतना मतलब ठंड था, इतनी हवा चल रही थी यहाँ पे।